हेलो ऑल एंड वेलकम टू रिकॉग्निशन आईएएस। हम लोग देख रहे थे हमारे ज्योग्राफी ऑप्शनल की क्लासेस, और इस ज्योग्राफी ऑप्शनल की क्लासेस में लास्ट क्लास में हम लोगों ने देख रखा था समथिंग रिलेटेड विद फिजियोग्राफी, और उसके बाद हम लोगों ने ड्रेनेज के बारे में देखा हुआ था। तो ड्रेनेज में हम लोगों ने काफी कुछ डिस्कस किया था, आगे कंटिन्यू करते हैं और इसी कंटिन्यूएशन में हम लोगों की आज देखेंगे हम लोग रिवर की ओरिजिन के बारे में कि कैसे रिवर ओरिजिनेट करता है, व्हाट आर द थ्योरीज बिहाइंड इट, क्या क्या लोगों ने कैसे कैसे क्या बोला हुआ है। स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले अगेन ये कुछ हमारे कॉन्टैक्ट डिटेल्स हैं जिनको कि आप लोग यूज कर सकते हैं अपने डाउट पूछने के लिए या फिर हम तक रीच आउट करने के लिए। इसके अलावा हमारे कुछ कोर्सेज भी अवेलेबल हैं, दीज आर प्रीलिम्स स्पेशल एज वेल एज मेंस स्पेशल। यू कैन यूज दीज कोर्सेज फॉर योर बेटर एंड इफेक्टिव प्रिपरेशन ऑफ सिविल सर्विसेज। यू कैन ऑल्सो सब्सक्राइब अस फॉर टेस्ट सीरीज एंड दीज आर द अवेलेबल टेस्ट सीरीज इन विच ज्योग्राफी टेस्ट सीरीज आर गोइंग ऑन। यू कैन सब्सक्राइब दैट इफ यू वॉन्ट। स्टार्ट करते हैं हमारा रिवर बेसिन ऑफ इंडिया का कंसेप्ट। तो देखिए रिवर बेसिन के बारे में अगेन मैं यहां पर माजिद हुसैन को ही प्रेफर करने वाला हूं, इसी को हम लोग आगे लेकर के बढ़ रहे हैं। तो अगर आप माजिद हुसैन रखे हुए हैं देन यू कैन ऑब्वियसली स्टिक टू दिस बुक, और काफी अच्छा लिखा हुआ है। देखिए स्टार्ट करते हैं डिस्कशन। तो यहां पर पहले बोलता है कि रिवर बेसिन ऑफ इंडिया के बारे में कि रिवर्स विद देयर ट्रिब्यूटरी आर द मेन चैनल। तो यहां पर इंट्रोडक्शन दिया गया है कि क्या होती है ड्रेनेज बेसिन, क्या होती है, किस चीज को हम बोलेंगे कि ये रिवर बेसिन है, तो इनके बारे में बताया गया है। तो रिवर विद देयर ट्रिब्यूटरी आर द मेन चैनल ऑफ ड्रेनेज ऑफ लैंड सरफेस, दे आर एट द सेम टाइम ऑल्सो चीफ एजेंट ऑफ लैंड इरोजन एंड देयर मेन लाइन ऑफ ट्रांसपोर्ट वेस्ट प्रोडक्ट ऑफ लैंड टू द सी। तो एक तरीके से ट्रांसपोर्ट का मोड बना होता है, ये आपको सारी चीजें पता है। द एरिया ड्रेन्ड बाई द मेन रिवर इंक्लूडिंग ऑल इट्स ट्रिब्यूटरी, उसको हम लोग बोल देते हैं ड्रेनेज बेसिन, जिसके लिए हम लोगों ने लास्ट क्लास में भी देखा था। इन ड्रेनेज बेसिन को अकॉर्डिंग टू द एरिया तीन कैटेगरी में डिवाइड किया जाता है, और ये कैटेगराइजेशन किया जाता है बेस्ड ऑन दिस ड्रेनेज बेसिन। अगर ये ड्रेनेज बेसिन 20,000 से ज्यादा, मतलब कि इफ रिवर बेसिन का जो कैचमेंट एरिया है, कैचमेंट एरिया क्या बोलते हैं, कैचमेंट एरिया बोला जाता है, जैसे मान लीजिए ये हमारी रिवर है, इस रिवर के चारों ओर ये कितना दूर तक पानी की अवेलेबिलिटी करा रही है, इसी को बोलते हैं कैचमेंट एरिया। दिस इज द कैचमेंट एरिया। अगर आप रेनफॉल में जाएंगे तो रेनफॉल के हिसाब से भी कितना एरिया रेनफॉल रिसीव कर रहा है, उसी को बोलते हैं कैचमेंट एरिया। तो सिमिलरली यहां पर भी इस मेन रिवर के कारण से कितना एरिया ड्रेन हो रहा है, कितना एरिया इरिगेट हो रहा है, उसको हम लोग बोल देते हैं कि वो कैचमेंट एरिया है। अगर कैचमेंट एरिया मोर देन 20,000 स्क्वायर किलोमीटर है तो उसको हम लोग लार्ज रिवर बेसिन बोलते हैं। अगर यही 20,000 से 20,000 के बीच में है तो उसको हम लोग मीडियम बेसिन बोल देते हैं, और अगर ये 2000 से कम है तो उसको हम लोग बोल देते हैं कि वो माइनर बेसिन है। इंडिया में अगर बात करें तो इंडिया में तीनों ही चीजें पाई जाती हैं। इनफैक्ट 113 रिवर बेसिन है, इस 113 में 14 जो है वो लार्ज है, 44 मीडियम और 55 जो है माइनर रिवर बेसिन है। अगर हम लोग मेजर के बारे में बात करें तो मेजर याद भी रखना है आपको, प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से भी इंपॉर्टेंट हो जाता है। सबसे बड़ा गंगा का है, फिर इंडस का, फिर गोदावरी, कृष्णा, ब्रह्मपुत्रा। इन टॉप के फाइव याद रखिए, जहां पर सबसे पहले है गंगा जो कि मेनलैंड में है, फिर उसके बाद से आपका इंडस जो हिमालयन साइड में है, क्योंकि यहां पर फाइव रिवर्स है, उस वजह से इसका जो ड्रेनेज एरिया है वो काफी ज्यादा हो जा रहा होता है। फिर उसके बाद साउथ की गंगा हमारी गोदावरी हो जाती है, फिर कृष्णा एंड देन ब्रह्मपुत्र। ये बेसिकली आप याद रखिए, यही आपसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। आगे अगर कंटिन्यूएशन में बात करें तो हमारे पास तीन ऐसी रिवर है, गंगा, इंडस और ब्रह्मपुत्र, जो कि बेसिकली इंटरनेशनल रिवर्स हैं। गंगा के बारे में बात करें तो ये ओरिजिनेट हो रही होती है तिब्बत से। सिमिलरली इंडस के बारे में बात करें तो ये भी तिब्बत से ही निकल के आ रही होती है, मानसरोवर राकास लेक से। और ब्रह्मपुत्र के बारे में बात करें तो ये चाइना से आ रही होती है, सेंको रिवर, जिसके नाम से, सेंको रिवर के नाम से जाना जाता है। द इंडस एंड सम ऑफ द इंपॉर्टेंट ट्रिब्यूटरीज ट्रांसवर्स तिब्बत, इंडिया एंड पाकिस्तान, वाइल गंगा, ब्रह्मपुत्र एंड देयर ट्रिब्यूटरीज क्रॉस तिब्बत, नेपाल, भूटान एंड बांग्लादेश। तो बेसिकली जो हमारी ये गंगा है, ये चूंकि आपको पता है कि हमारा ये नॉर्थ ईस्ट का इलाका है, और यहां पर गंगा आती है, डेल्टा बनाती है और अल्टीमेटली घुस जाती है कहां पर, बांग्लादेश में। और यहां पर इसका नाम मेघना, पद्मा इस तरीके से बदलता रहता है, जैसे ही वो ब्रह्मपुत्र के संपर्क में, इस तरीके से ब्रह्मपुत्र से मिल रही होती है, तो इसका नाम बदलता रहता है। ये आप लोगों को पता होगा, जीएस में आपने पढ़ा होगा। ऑन द बेसिस ऑफ मोड ऑफ ओरिजिन द ड्रेनेज ऑफ इंडिया कैन बी डिवाइडेड इन डिफरेंट पार्ट। जैसे
एक हो गई जो हिमालयन रिवर सिस्टम हो सकती है, जिसको हम लोग एक्स्ट्रा पेनिनसुलर ड्रेनेज भी बोलते हैं। सिमिलरली दूसरी होती है पेनिनसुलर ड्रेनेज बोल देते हैं। तो इस तरीके से बेसिकली हम लोग दो तरीके से देख रहे होते हैं। कई जगहों पर आपको एक और कैटेगराइजेशन मिल जाता है नॉर्थ ईस्ट का सेपरेटली, नॉर्थ ईस्ट। हालांकि इसको हिमालयन में ही इंक्लूड कर लिया जाता है, लेकिन कई जगहों पर लोग अलग तरीके से इसको लिख ले रहे होते हैं। तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि हम लोग देखेंगे क्या कुछ इसके पीछे, इवोल्यूशन के पीछे क्या रीजन है। सो देयर इज नो क्लियर कट डिमार्केशन बिटवीन दीज टू ड्रेनेज सिस्टम। हम लोग ऐसा नहीं बोल सकते हैं, लाइक इन केस ऑफ हिमालय, हम लोगों ने वहां पर, हमारे पास फॉल्ट आई हुई थी, जो एक तरीके से कह लीजिए कि मेन बाउंड्री फॉल्ट थी, मेन सेंट्रल फॉल्ट थी, हिमालयन फ्रंट फॉल्ट थी। तो फॉल्ट बन जा रही थी, जिसके बेसिस पे वी कैन क्लियरली डिमार्केट द माउंटेन रेंजेस। लेकिन यहां पर ऐसा कोई डिमार्केशन नहीं होता, ये बेसिकली एरिया घूमती आती है। अब हम लोगों को पता है कि एक यहां पर कंसिक्वेंट रिवर होती है, जो मेन रिवर होती है वो कंसिक्वेंट रिवर होती है। इस कंसिक्वेंट रिवर से मल्टीपल सबसिक्वेंट रिवर आकर के जुड़ रही होती है, तो इस कारण से, और ये सबसिक्वेंट रिवर लगातार अपनी जो भी इसकी टेरिटरी है, या कह लीजिए जो भी इसकी एक तरीके से रास्ता है, वो चेंज करती रहती है, जिसके कारण से वी कैन नॉट क्लियरली डिमार्केट द ड्रेनेज बेसिन ऑफ दीज टू हिमालयन, दीज टू कैटेगराइजेशन। एज मेनी ऑफ द पेनिनसुलर रिवर लाइक चंबल हो गया, केन, बितवा, सिंध, ये सारी की सारी ओल्डर इनेज है, एंड ओरिजिन जो है वो हिमालयन रिवर के साथ में है। ठीक है, आगे अगर बात करें तो हमारे पास हिमालयन रिवर सिस्टम के बारे में पूरा का पूरा डिटेल में डिस्कस किया गया है। यहां पर ज्यादा कुछ नहीं है। आपको कल को अगर मान लीजिए लिखने को क्वेश्चन आ जाता है कि डिस्कस द प्रॉपर्टीज ऑफ हिमालयन ड्रेनेज, क्या करेंगे आप? सबसे पहले आप बताएंगे इसका ओरिजिन कहां पर है, ओरिजिन प्लेस बता रहे होंगे। इस ओरिजिन प्लेस को बताने के बाद इसमें बता देंगे कि कौन कौन सी रिवर्स हैं। इस रिवर्स के बाद बता देंगे कि ये कहां कहां से इसकी स्टार्ट होती है, ओरिजिन और माउथ, मतलब कि इसका ओरिजिन से लेकर के माउथ तक आप बता दे रहे होंगे क्या चीज है। फिर आप बता देंगे इसके कुछ इंपॉर्टेंट जो भी फीचर्स हैं, लाइक इसके इरोजनल फीचर्स के बारे में बता देंगे, इसके ड्रेनेज के बारे में बता देंगे, एग्रीकल्चरल यूज के बारे में बता देंगे। तो इन सब के बारे में आप बता देंगे बेसिकली। साथ में आप बता देंगे अगर कोई डिजास्टर वगैरह लेकर के आती है तो क्या डिजास्टर है। तो बेसिकली ये कुछ चार पांच पॉइंट है जिनके बेसिस पे आप अपने आंसर को लिख सकते हैं। फटाफट इन्हीं चारों पॉइंट को देखते हैं कि यहां पर क्या लिखा हुआ है। तो हिमालयन ड्रेनेज बेसिन कंप्राइज ऑल इंटरनेशनल रिवर। शुरू में देखिए आपको बता दिया इसका इंट्रोडक्शन, जैसे गंगा हो गया, इंडस हो गई, ब्रह्मपुत्र हो गई, मोस्ट ऑफ दीज रिवर्स एंड देयर ट्रिब्यूटरीज आर पेरेनियल इन कैरेक्टर। अब देखिए लगातार ये ग्लेशियर से पानी पा रही होती हैं, इस वजह से ये पेरेनियल होते हैं, मतलब ये सतत वाहिनी, हमेशा इसमें वाटर बना होता है। ऑब्टेनिंग फ्रॉम ग्लेशियर एंड रेन, दीज रिवर्स आर इन देयर यूथफुल स्टेज एंड दैट इज वाई दे कार्व इरोजनल लैंडफॉर्म, जैसे वाटरफॉल हो गया, कैटरैक्ट हो गया, रैपिड हो गया, गॉर्जेस हो गया, स्टीप स्लोप्स हो गया, रिवर टेरेसेस हो गए। तो ये कुछ लैंडफॉर्म फीचर आप लोगों ने ऑलरेडी अपने रिवर के लैंडफॉर्म में पढ़ा होगा, और वही चीजें यहां पर बना रही होती हैं। हिमालयन रिवर केवल और केवल इरोड नहीं करती है, बल्कि डिपोजिशन भी करती है, और अल्टीमेटली प्लेन और डेल्टा भी बना रही होती हैं। द ग्रेट हिमालयन रिवर्स कौन कौन सी है बता दिया आपने, इसमें आप ये भी बता देंगे कौन सी एंटीसीडेंट है और कौन सी नहीं है। जो एंटीसीडेंट है, ड्रेन नॉट ओनली सदर्न स्लोप ऑफ हिमालय बट टू अ लार्जर एक्सटेंट द नॉर्दर्न तिब्बत स्लोप एज वेल। हिमालयन कोर्स ऑफ दीज रिवर्स आर हाईली टॉर्चरस, और ये मियंड्रिंग टेंडेंसी को दिखा रही होती है और अपने कोर्स को कंटिन्यूसली चेंज करती रहती है बिकॉज ऑफ हाई वॉल्यूम एंड स्पीड, मतलब की वेलोसिटी। द रिवर रेजिम ऑल द पेरेनियल एग्जिबिट वाइड सीजनल फ्लक्चुएशन causing devastation flood during rainy season but sinking to the bottom of the valley with a number of shoals during the dry season. जब भी रेनी सीजन आ जाएगा, एक तो ग्लेशियर मेल्टिंग, साथ में वहां पे रेन भी आ गया, डबल इसको वॉल्यूम मिल रहा है, डबल वॉल्यूम मिलने के कारण से अब क्या है, फ्लडिंग होने के चांसेस बहुत ज्यादा हो जाते हैं। और वही अगर ड्राई सीजन में बात करें तो केवल और केवल ग्लेशियर ही एकमात्र सोर्स बना रहता है, और इसी वजह से हमारी जो रिवर की जो कोर्स है वो केवल और केवल बॉटम तक बनी रह जाती है। तो सेम यही डिस्कस किया गया है। दीज रिवर्स कंटिन्यू टू कॉज इंटेंसिव इरोजन एंड ट्रांसपोर्ट हेवी लोड ऑफ सैंड एंड सिल्ट एनुअली।
सेवरल ऑफ हिमालयन रिवर्स आर ओल्डर टू द हिमालयाज, जिसको कि एंटीसीडेंट रिवर हम लोग बोल रहे होते हैं। जैसे हम लोगों ने देखा ही था, काली हो गई, गंगा हो गई, इंडस हो गई, ये सब हम लोगों ने देखा था कि ये हमारी एंटीसीडेंट रिवर हुआ करती थी। द हिमालयन रिवर्स हैव ग्रेट सोशियो इकोनॉमिक एंड कल्चरल इंपॉर्टेंस। इनफैक्ट ये पिलग्रिमेज के लिए भी काफी इंपॉर्टेंट है, रिलीजियस एक्टिविटी के लिए भी काफी इंपॉर्टेंट है। द वॉटर ऑफ हिमालयन रिवर इज यूटिलाइज फॉर इरीगेशन, इंडस्ट्री, हाइडल पावर जनरेशन, नेविगेशन एंड डोमेस्टिक पर्पज। तो एक तरीके से हम लोगों ने पूरा का पूरा देख लिया। यहाँ पे एक और चीज यूज जोड़ दीजिएगा और बाकी सारे पॉइंट आपके नियरली यहाँ पर इंक्लूड कर लिए गए हैं। तो इस तरीके से देखिए, कोई भी आंसर अधूरा नहीं होना चाहिए, आपका सारा आंसर एक कैटेगराइज्ड वे में होना चाहिए, सारा का सारा दिख रहा होना चाहिए। अलॉन्ग विद दैट यू शुड ऑलवेज इंक्लूड अ मैप, जिसमें कि आप रिवर के कोर्स को दिखा रहे होंगे कि कहां से रिवर निकल रही है, और कोशिश करिए इसमें डिटेलिंग करने की। डिटेलिंग करने का मतलब जितनी भी ट्रिब्यूटरी का नाम आपको याद है, वेदर इट इज लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी और राइट बैंक ट्रिब्यूटरी, ट्राई टू इंक्लूड ऑल दैट। क्लियर हो गया कैसे आपको लिखना है? इनकेस अगर प्रॉपर्टीज ऑफ ड्रेनेज बेसिन के बारे में आ जाता है तो यू विल हैव टू इंक्लूड ऑल दिस पॉइंट अलॉन्ग विद द मैप इन विच रिवर कोर्स शुड बी ड्रॉन वे इन अ डिटेल्ड मैनर। तो इस तरीके से आप लिख देंगे। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन कम्स की इवोल्यूशन ऑफ हिमालयन ड्रेनेज क्या है। देखिए, इसको थोड़ा सा समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि थोड़ा सा टफ है यहाँ पर, और थोड़ा सा किताबों में अधूरा लिखा रहता है, तो इस वजह से थोड़ा सा यहाँ पर ध्यान से समझिएगा। यहाँ पर बेसिकली हमारे दो ज्योग्राफर लोग हैं जिन्होंने ये कंट्रीब्यूशन दिया है। पहले हम लोग समझेंगे, फिर उसके बाद से हम लोग स्लाइड की जो भी चीजें लिखी हैं उसको देखेंगे क्या है। तो बेसिकली हमारे पास दो लोग हैं जो हिमालयन ड्रेनेज सिस्टम को डिस्कस किए थे। एक थे जिनका नाम है पैस्को एंड पिलग्रिम, पैस्को एंड पिलग्रिम, और दूसरे साहब है हमारे, उनका नाम है इनायत अहमद, ही इज इनायत अहमद। तो बेसिकली हमारे पास दो लोग हैं, दोनों लोगों की थ्योरी आपको समझना है, क्योंकि क्वेश्चन आपसे दोनों से पूछा जा सकता है। पैस्को एंड पिलग्रिम के बारे में अगर बात करें तो देखिए, दिस इज सपोज आवर इंडिया, सपोज ये हमारा इंडिया है, यहां पर हमारा उत्तर प्रदेश, ये नेपाल, सिक्किम, नॉर्थ ईस्ट का इलाका आ गया और ये हमारी पूरी सिस्टम बन गई। सिमिलरली यहां पर हमारा इस तरीके से गुजरात हो गया और ये हमारा सिस्टम बन गया। चलिए खैर, अब यहां पर देखिए केस क्या है। कहता है जो हमारे साहब हैं, ये कहते हैं कि देखिए जो रिवर पहले थी वो रिवर एक्चुअल में तीन रिवर का एक तरीके से संगम थी, तीन रिवर को मिला करके बनाई जाती थी, और वो तीन रिवर थी कुछ इस तरीके से यहां से फ्लो कर रही होती थी। अभी प्रेजेंट सिस्टम में हिमालय अपलिफ्ट नहीं हुआ है, तो अभी फिलहाल इस तरीके से रिवर है, और इस रिवर का जो इन लोगों ने नाम दिया था वो तीनों रिवर इंडस, गंगा और सेंगपो मिलाकर के, इस रिवर का नाम था सेंगपो, यहां पर लिख दे रहा हूं मैं, दिस इज सेंगपो, सेंगपो इंडस ऑक्सस रिवर, और ये इस तरीके से ये पूरे के पूरे इलाके को ड्रेन कर रही होती थी। इलाका कौन कौन सा आ गया, एक तो हमारा मेनलैंड का इलाका आ गया, दिस इज मेनलैंड इंडिया, साथ ही साथ में हमारा तिब्बत का इलाका आ जा रहा होता था, तो ये दोनों इलाके जो है वो ड्रेन कर रही होती थी। फिर उसके बाद से क्या होता है कि यहां पर अपलिफ्टमेंट स्टार्ट हो जाती है। जब हम लोग जियोलॉजिकल टाइम स्केल के बारे में बात करें तो मायोसीन पीरियड आता है, और इस मायोसीनियन पीरियड में अपलिफ्टमेंट स्टार्ट हो जाता है हमारे हिमालय का। इस अपलिफ्टमेंट में जब पहली अपलिफ्टमेंट हो जाती है, पहली अपलिफ्टमेंट का मतलब क्या हो गया कि अब हमारा जो ग्रेटर हिमालय इधर के साइड में है ये उठ गया है। तो जैसे ही यहां पर अपलिफ्टमेंट होती है, वैसे ही जो ये हमारी रिवर है वो दो पार्ट में टूट जा रही होती है। ये जो है अब दो पार्ट में टूट गई है, एक बन गई है जो लेफ्ट बैंक बन गई है, और दूसरी जो है वो राइट बैंक बन गई है, राइट बैंक। तो जो लेफ्ट बैंक है वो बेसिकली इस साइड में मूव करना शुरू कर दिया है, और जो इस साइड में है राइट बैंक में, वो इस साइड में बेसिकली मूव करना शुरू कर दिया है। ये जो मूवमेंट है, अभी भी अगर इस मूवमेंट के बारे में बात करें तो इस मूवमेंट में अभी भी ये हिमालय से स्टार्ट होकर के पूरी की पूरी सिक्किम तक जा रही है। सिमिलरली यहां पर भी स्टार्ट होकर के पूरी यहां तक जा रही है। इन दोनों रिवर का अगर क्लासिफिकेशन देखी जाए तो लेफ्ट बैंक में जो बनी थी वो बेसिकली, उसका नाम दिया गया इंडो ब्रह्मा और शिवालिक रिवर, दिस इज बेसिकली इंडो ब्रह्मा, इंडो ब्रह्मा, या इसी को दिया गया था शिवालिक रिवर का नाम, शिवालिक रिवर। क्लियर हो गया क्या चीज है?
राइट बैंक में जो आती है उसको नाम दिया गया यहां का इरावदी छिन्विन। इनफैक्ट यहां की जो रिवर भी थी वो भी हालांकि इंडो ब्रह्मा ही थी, दिस वॉज ऑल्सो इंडो ब्रह्मा, लेकिन यहां पर एक इरावदी छिन्विन रिवर बह रही होती थी नॉर्थ ईस्ट में और उसी के से जाकर के मिल गई। तो अल्टीमेटली वी कैन से दैट दिस द राइट बैंक ऑफ ट्रिब्यूटरी ऑफ सैंको इंडस अल्टीमेटली ज्वाइंड और अल्टीमेटली मर्ज। तो एक तरीके से ये वाली जो रिवर थी वो सबसिक्वेंट बन गई और ये कंसिक्वेंट में जाकर के यानी कि इरावदी छिन्विन में जाकर के मिल जाती थी। इरावदी छिन्विन, इरावदी छिन्विन के बारे में आप लोगों को पता होगा कि ये म्यांमार और थाईलैंड के बॉर्डर पे ड्रेन कर रही होती है। तो बेसिकली ये तरीके ये सीन हो गया। अब यहां पर होता क्या है इस वाले में से तो हमारा नाता कट गया क्योंकि ये तो अल्टीमेटली जाकर के मिल गई, कोई मतलब नहीं है, यहां पर सीन ही खत्म हो गया। लेकिन जो हमारा लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी है अब ये लगातार अपलिफ्टमेंट पे अपलिफ्टमेंट होती जा रही है क्योंकि मायोसीन के बाद फिर आ जाएगी हमारी प्लायोसीन, प्लायोसीन के बाद हमारी आ जाएगी प्लीस्टोसीन। तो हमारा डबल अपलिफ्टमेंट अभी बचा हुआ है। यहां पर इस पूरे के पूरे इलाके को रोकने के लिए हमारे पास इधर के साइड में अरावली आ जाती है और इधर के साइड में हमारी जो राजमहल हिल्स और ये सब आ जा रही होती हैं। अब यहां पर होता क्या है कि ये इलाका जो इस तरीके से रुका हुआ है ये इलाका अब तीन पार्ट में डिवाइड हो जा रहा होता है। तीन पार्ट में डिवाइड कौन कौन से तरीके हो जाते हैं थोड़ा सा मैं इस तरह से निकाल देता हूं। तीन तरीके हो जाते हैं, एक हो जाती है जो केवल और केवल इंडस रिवर के रूप में आ जाती है, दूसरी जो आ जाती है वो गंगा रिवर के रूप में आ जाती है और तीसरी आ जाती है वो ब्रह्मपुत्र रिवर के रूप में आ जा रही होती है ब्रह्मपुत्र। तो बेसिकली ये वाला जो ऊपर वाला पार्ट है, बीच वाला पार्ट है और ऐसे ही इधर वाला पार्ट हो जाता है। ऑब्वियसली इन तीनों रिवर को एक दूसरे के साथ में तोड़ने के लिए एक हमेशा लाइन होनी चाहिए, लाइन इन द सेंस कि इन दोनों के बीच में कोई ना कोई डिवाइड होना चाहिए। तो देखिए इन दोनों के बीच में जो डिवाइड आया मतलब कि इंडस और गंगा के बीच में जो डिवाइड आया ये डिवाइड आया दिल्ली रिज के रूप में, दिल्ली रिज के रूप में। सिमिलरली ब्रह्मपुत्र के साथ में यहां पर जो डिवाइड आया वो आया राजमहल हिल्स, राजमहल हिल्स। क्लियर हो गया क्या चीज है। यहां से हमारे जो पैस्को और पिलग्रिम साहब हैं वो ये कहते हैं कि देखिए यहां पर इंडस से एक और रिवर निकला करती थी जिसका नाम था यमुना, लेकिन विद द टाइम जब ये दिल्ली रिज अपहीवल होना शुरू हो गया ये अल्टीमेटली बन गई इसका पार्ट गंगा का पार्ट जाकर के बन जा रही होती है। और ये सारा का सारा खेल होता कब है, ये सारा का सारा खेल होता है प्लीस्टोसीन के दौरान में। तो इस तरीके से जो हमारा आज का रिवर सिस्टम है वो इस तरीके से आ जा रहा होता है। तो आपको एक क्लैरिटी आ गई होगी बेसिकली क्या हुआ है। एक बार मैं दो मिनट में फटाफट बताऊं क्या हुआ है। सबसे पहले हमारे पास एक सैंको इंडस ऑक्सस रिवर हुआ करती थी जो कि तिब्बत और मेनलैंड इंडिया को ड्रेन किया करती थी। साथ में हुआ क्या फिर कि अब अपलिफ्टमेंट स्टार्ट हो गया मायोसीन पीरियड के दौरान से। मायोसीन पीरियड में जब ये हमारी फर्स्ट हिमालय अपलिफ्ट हो गई तो हमारी ये जो सैंको इंडस रिवर है वो दो पार्ट में टूट गई, लेफ्ट बैंक और राइट बैंक में। लेफ्ट बैंक जो मेनलैंड इंडिया से गुजरा वो इंडो ब्रह्मा या शिवालिक रिवर कहलाया और दूसरे साइड में जो राइट बैंक है वहां पर इंडो ब्रह्मा रिवर कहलाया जो कि इरावदी छिन्विन में जाकर के मिल गई। तो यहां पर कहानी खत्म हो जाती है और इंडिया के साइड में जो इंडो ब्रह्मा आई ये लगातार फिर से अपलिफ्टमेंट में आ जा रही होती है, संपर्क में आ जाती है। इस अपलिफ्टमेंट के संपर्क में आने के कारण दिल्ली रिज वगैरह बनना शुरू हो जाता है, राजमहल हिल्स के संपर्क में आ जाती है और अल्टीमेटली ये जो रिवर है जो इतनी लंबी सी रिवर है जो हिमालय से लेकर के नॉर्थ ईस्ट तक को ड्रेन कर रही है एक सिंगल रिवर से, वो तीन पार्ट में टूट जाती है। एक केवल और केवल इंडस इलाके में रह जाती है मतलब कि दिल्ली तक ही केवल रह जाती है, दूसरी गंगा हो जाती है जो नॉर्थ ईस्ट तक मतलब आते आते रुक जाती है और लास्ट में ब्रह्मपुत्र आ जाती है जो नॉर्थ ईस्ट के साइड में चली जा रही होती है। तो इस तरीके से हम लोगों ने बेसिकली देखा पैस्को एंड पिलग्रिम ने क्या बोला है। तो एक बार पैस्को और पिलग्रिम के बारे में आप लोगों ने देख लिया, नाउ लेट अस सी दिस इनायत वाला क्या कंसेप्ट है, इनायत की चीजों को देख ले रहे होते हैं। इनायत को चीजों को देखने से पहले एक काम करते हैं, पहले डिस्कस कर लेते हैं पैस्को ने क्या बोला है, उनके क्या इवेल्युएशन है एंड देन फिर हम लोग आएंगे इसमें। तो आप लोगों ने आई होप नोट कर लिया होगा क्या कुछ चीजें हैं, फटाफट इसको आ जाते हैं क्या बोला है इन लोगों ने। तो जियोलॉजिस्ट एंड जियोमॉर्फोलॉजिस्ट आर नॉट यूनानिमस अबाउट द ओरिजिन ऑफ हिमालयन रिवर। यहां पर कई सारी जियोलॉजिकल हिस्ट्री वगैरह है,
जिसमें हमारी मेजर रिवर जो है जैसे इंडस, ब्रह्मपुत्र, सतलज, गंगा, ये सब आ जा रही होती है और ये जो होती है सदर्न स्लोप ऑफ तिब्बत पे ओरिजिनेट करती हैं। जबकि जो रिवर है इंडस हो गया, सतलज हो गया, ब्रह्मपुत्र हो गई, ये पैरेलल फ्लो करती थी लॉन्गिट्यूडनल, यानी कि ये जो होता है कह सकते हैं एक तरीके से एंटीसीडेंट थी जो अल्टीमेटली डीप गॉर्जेस वगैरह बना करके माउंटेन हिल्स से निकल रही होती थी। इनके थ्योरी को बताने के लिए हमारे पास ई एच पैस्को और जी ई पिलग्रिम, शॉर्ट फॉर्म में पैस्को एंड पिलग्रिम याद कर सकते हैं, अटेम्प्टेड टू गिव अ टेंजिबल एक्सप्लेनेशन टू द प्रॉब्लम ऑफ द हिमालयन ड्रेनेज। अकॉर्डिंग टू देम तिब्बतन प्लेटू वॉज ड्रेन्ड बाई वेस्ट बाई द माइटी सैंको इंडस ऑक्सस कंबाइंड टू द तिब्बतन रिवर मर्जिंग टू ऑक्सस लेक। तो बेसिकली ये वो मेन रिवर है जो कि शुरू में ड्रेन कर रही होती थी हमारी तिब्बत और मेनलैंड इंडिया को। इसी के बारे में हम डिटेल में जरा डिस्कस करते हैं और पैस्को एंड पिलग्रिम की थ्योरी। इसी तरीके से यहाँ की एक मेन रिवर हो गई थी जिसका नाम था इंडो ब्रह्मा रिवर और शिवालिक रिवर, ट्रांसवर्स टू लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट ऑफ हिमालय असम से पंजाब नॉर्थ ईस्ट टू इम्पटी इंटू गल्फ ऑफ सिंध। तो हमारी जो ये शिवालिक रिवर बनी है, ये शिवालिक रिवर बेसिकली जा कहां से रही है, ये आ रही है पूरा जम्मू एंड कश्मीर से और ये पूरी जा रही है असम तक या फिर कह सकते हैं नॉर्थ ईस्ट तक और अल्टीमेटली ड्रेन कर जा रही है कहां पर, गल्फ ऑफ सिंध में। गल्फ ऑफ कहीं तो गिरनी चाहिए ना, तो गल्फ ऑफ सिंध में ये गिर जा रही होती है। मेनलैंड इंडिया चूंकि टेपर्ड शेप में है तो इस वजह से इसको स्लोप भी मिल जा रहा है और स्लोप मिलने के कारण आप बोल सकते हैं कि दिस इज कॉनकॉर्डेंट है, कॉनकॉर्डेंट रिवर। अब देखिए यही सब टर्म पढ़ने के लिए हम लोगों ने लास्ट क्लास देखा था, तो यहां से आपको पता चल गया कि नाउ द लोअर पंजाब अब ड्यूरिंग द मायोसीन पीरियड जो फॉर्मर रिवर थी ये डिसरप्ट हो गई हेडवर्ड एंड इरोजन लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी प्रोटो सिंध, प्रोटो सतलज एंड प्रोटो ब्रह्मपुत्र। बेसिकली जो हमारा ये शिवालिक रिवर है, यही शिवालिक रिवर, इसी को बोल सकते हैं कि प्रोटो इंडस हो गई है या प्रोटो सतलज या प्रोटो ब्रह्मपुत्र है। बाद में ये जो है इरावदी छिंदविन से, जो दूसरे साइड की रिवर है वो जाकर के इरावदी छिंदविन से मिल जा रही होती है जैसा हम लोगों ने अभी डिस्कस ही किया है। द लोअर सतलज एंड लोअर इंडस ऑल आर प्रॉब्लमेटिक रिमिनेंट्स ऑफ शिवालिक रिवर। तो खैर ये सब तो कोई मतलब नहीं है। आगे अगर बात करें तो देखिए लेटर बाद में क्या होता है, द माइटी शिवालिक रिवर वॉज डिसमेंबर्ड इनटू थ्री रिवर। कौन कौन सी तीन रिवर में बदल गई थी, इंडस में हो गई, गंगा में हो गई और फिर उसके बाद से ब्रह्मपुत्र में हो गई। इन तीनों को डिवाइड करने के लिए ऑलरेडी हम लोगों ने देख लिया था कि डिसमेंबर्ड इज एट्रीब्यूटेड टू प्लीस्टोसीन अपहीवल ऑफ वेस्टर्न हिमालय इंक्लूडिंग द अपलिफ्टमेंट ऑफ पोटवार प्लेटू डेली रिज विच एक्ट एज अ वाटर डिवाइड बिटवीन द इंडस एंड गंगा। सिमिलरली मालदा गैप जहां पर राजमहल हिल्स और मेघालय प्लेटू भी है वो मिड प्लायोसीन पीरियड में जाकर के गंगा और ब्रह्मपुत्र को भी डिवाइड कर दे रहा होता है। दिस डेवलपमेंट ऑफ हिमालयन ड्रेनेज ब्रॉट अ रिवर्सल इन द डायरेक्शन ऑफ फ्लो इन द मिडिल सेक्शन ऑफ सीवियर्ड स्ट्रीम गंगा ऑफ टूडे रिजल्टिंग इन इट्स टेकिंग अ सदरली कोर्स एंड इवेंचुअली एनेक्सिंग द यमुना एंड इट्स ट्रिब्यूटरी। अर्लियर यमुना जो है वो ट्रिब्यूटरी ऑफ इंडस हुआ करती थी लेकिन अल्टीमेटली ये यहां से हट करके इवोल्यूशन ऑफ ड्रेनेज ऑफ नॉर्दर्न इंडिया मतलब कि गंगा में जाकर के मिल गई इन द लेटर फेज ऑफ प्लीस्टोसीन पीरियड। तो आपको क्लैरिटी अब आ गई होगी कि बेसिकली हमारे ये जो पैस्को एंड पिलग्रिम है इन्होंने क्या बोला है। तो पैस्को एंड पिलग्रिम लेकिन कई सारे प्रॉब्लम से भी घिर गए, मतलब कि कई सारी इनको क्रिटिसिज्म भी झेलना पड़ गया। इनके क्रिटिसिज्म को अगर वन बाय वन करके डिस्कस करना चाहे तो देखिए सबसे पहले इनके क्रिटिसिज्म ये बोला गया कि भाई जम्मू एंड कश्मीर से लेकर के अगर आप नॉर्थ ईस्ट तक के इलाके में एक ही रिवर से अगर आप ड्रेन करा रहे हैं तो अब ये बताइए इतना लंबा स्लोप तो है ही नहीं। शुरू में तो चलिए ठीक है हिमालयन रिवर मिल जाएंगी तो हिमालय मिल जाएगा तो यहां पर आपको वेलोसिटी मिल जाएगी देन यहां तक तो रिवर आ सकती है लेकिन इसके आगे ग्रेट प्लेन्स और ग्रेट प्लेन्स के बाद जो होता है यहीं पर इसको डेल्टा बना देना चाहिए क्योंकि अब इसके पास स्लोप तो बचा नहीं है। इनफैक्ट अगर बात करें हमारा ये मेन इंडिया था जहां पर ये हमारी हिमालयन रेंजेस थी देन फॉल्ट था ग्रेट प्लेन था और उसके बाद से पेनिनसुलर इंडिया था। इफ द रिवर इज कमिंग फ्रॉम द हिमालय देन ऑब्वियसली इट विल गो वेरी लेस डिस्टेंस, इट विल ट्रेवल वेरी लेस डिस्टेंस इन द ग्रेट प्लेन और अल्टीमेटली यहीं पर इसको डिसरप्ट हो जाना चाहिए लेकिन तब फिर कैसे ये नॉर्थ ईस्ट तक जा सकती है। दिस वॉज द फर्स्ट क्रिटिसिज्म कि इट इज नॉट नेसेसरी टू पॉस्टुलेट अ स्ट्रीम ऑफ साइज ऑफ शिवालिक रिवर फ्लोइंग ऑल अलोंग द लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट ऑफ हिमालय टू एक्सप्लेन द अकरेंस ऑफ शिवालिक एलुवियल डिपॉजिट एंड बोल्डर बेड। दे माइट रिप्रेजेंट अ
सक्सेशन ऑफ एलुवियल फैन डिपॉजिटेड बाय रिवर डिसेंडिंग टू द हिमालय. इसका मतलब यह है कि अगर ये नीचे की ओर आ रही है तो एलुवियल फैन बनाना चाहिए. एलुवियल फैन का मतलब ये एक तरीके से ये बोल सकते हैं, हालांकि इसका मतलब तो वैसे होता है डेल्टा फॉर्मेशन से, लेकिन यहां पर इसका मतलब यह है कि अगर एक नीचे की ओर आ रही है, दिस शुड डिवाइड इन मल्टीपल रिवर, मल्टीपल रिवर में इसको हो जाना चाहिए फैन के तरीके से, इस तरीके से हो जाना चाहिए, बट सिंगल रिवर निकल के आ रही है तो सिंगल रिवर नहीं होना चाहिए. तो डिपॉजिटेड बाय रिवर डिसेंडिंग फ्रॉम हिमालय, दे हैव कोलिज्ड ओवर टाइम. तो यहां पर जो हमारे कुछ जियोलॉजिस्ट लोग हैं, दे फाउंड इट डिफिकल्ट टू एक्सेप्ट द एग्जिस्टेंस ऑफ सच अ माइटी रिवर ऑन जियोलॉजिकल एज वेल एज फिजिकल ग्राउंड. दोनों तरीके से जो होता है इसको मानने से इनकार कर दिया गया हमारे जो पिलग्रिम साहब थे. दूसरी जो क्रिटिसिज्म होती है, आई होप ये दिख रहा होगा आप लोगों को, दूसरी जो क्रिटिसिज्म होती है वो ये कहती है कि द एविडेंस फर्निश द डिपोजिशनल हिस्ट्री ऑफ गंगा डेल्टा डज नॉट फिट वेल विद द थ्योरी. इनफैक्ट एलुवियम शुड हैव बीन लेड डाउन ओवर अ मच लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम देन द सजेस्टेड द कंसेप्ट. यहां पर कहने का मतलब यह है कि जो भी डिपोजिशन हो रही है गंगा डेल्टा के द्वारा वो इस थ्योरी के हिसाब से सही नहीं है, क्योंकि इस थ्योरी के हिसाब से जो भी गंगा डेल्टा फॉर्मेशन हो रही है या जो भी डिपोजिशनल फीचर्स आ रहे हैं उसमें हिमालयन की ट्रेसेस नहीं मिल रही हैं. अगर हिमालयन की ट्रेसेस नहीं मिल रही है दैट मीन्स कि दिस इज नॉट पार्ट ऑफ दैट शिवालिक रिवर. अगर शिवालिक रिवर की पार्ट होती, अगर यह गंगा शिवालिक का पार्ट होता, आगे बढ़ रहा होता, तो ऑब्वियसली यहां से हिमालय का भी अवशेष, हिमालय के भी रिमेन्स आ रहे होते हैं, डिपॉजिटेड हो रहे होते हैं, तो ऐसा कुछ भी नहीं मिला. इसलिए इस थ्योरी को काफी क्रिटिसाइज किया गया और इनफैक्ट ये कहा गया कि दिस कैन नॉट बी एक्सेप्टेड, ये नहीं लिया जा सकता है. लास्ट जो हमारा कह लीजिए क्रिटिसिज्म है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट एंड दिस इज वेरी कह सकते हैं कंफ्यूजिंग एक तरीके से, थोड़ा सा टफ है समझना, ध्यान से सुनिएगा क्या चीज बोल रहा है. यहां पर हमारे पास एक सैंडस्टोन होता है, इसको बुलाता है टीपम सैंडस्टोन. थोड़ा सा इसके बारे में देख लीजिए टीपम सैंडस्टोन क्या होता है. टीपम सैंडस्टोन का फॉर्मेशन जो होता है, दिस ऑक्युपाइज अ यूनिक पोजीशन विद इन द टर्शियरी सीक्वेंस ऑफ असम अरकान बेसिन. तो बेसिकली ये जो असम अरकान बेसिन है इसको बोलते हैं टर्शियरी फॉर्मेशन, टर्शियरी फॉर्मेशन या टर्शियरी हिमालय बोल सकते हैं. और ये सेपरेट है, दिस इज सेपरेट, दिस इज समथिंग डिफरेंट, और ये एकदम अलग है हमारे हिमालय साइड से. तो रॉक यूनिट वॉर डिपॉजिटेड एज अ शीट एंड सैंड इन अ ब्रेडेड रिवर एनवायरमेंट ड्यूरिंग द मायोसिन पीरियड. तो इसका जो डेवलपमेंट है वो पूरी तरीके से ही डिफरेंट पाया गया है इन द मायोसिन पीरियड. जो इसकी खोज की गई है इस टीपम सैंडस्टोन की, ये बिल्कुल ही अलग पाई गई है हिमालय से, बिल्कुल अलग पाई गई है. इट एक्ट एज अ पोटेंशियल रिजर्वायर रॉक इन द नंबर ऑफ ऑयल फील्ड इन द अपर असम वेयर एक्यूमुलेशन इज कन्फाइंड टू स्ट्रक्चरल ट्रैप एंड ओवरलाइंग ग्रिंजन क्ले फॉर्मेशन एज वेल एज इंटरवीनिंग द शेल लेयर एक्ट एज सील. तो दिस इज समथिंग डिफरेंट, ये डिफरेंट चीज है, अलग चीज है, दिस इज नॉट पार्ट ऑफ दैट हिमालयन सिस्टम. तो यहां पर यही कह रहा होता है जो इसके क्रिटिसाइज करने वाले लोग थे, उन्होंने कहा कि द एविडेंस ऑफ दिस टीपम सैंडस्टोन ऑफ असम जो कि डिपॉजिट हुई है इन एन एस्चुरी सिचुएटेड टू क्लोज टू सोर्स ऑफ इंडो ब्रह्मा रिवर ऑल्सो कास्ट ए प्रॉब्लम टू एक्सेप्टेंस ऑफ दिस थ्योरी. क्योंकि अगर ये इंडो ब्रह्मा रिवर अगर यहीं पर, अगर ये हमारी टीपम सैंडस्टोन यहां पे बनी है, दैट मीन्स या तो टीपम सैंडस्टोन के बारे में जो हम लोगों ने खोजा है ये सेपरेटली ये गलत है, या फिर हिमालयन सिस्टम से निकल के आने वाली चीज गलत है, क्योंकि दिस इज समथिंग डिफरेंट, दिस हैज नॉट बीन बिकॉज ऑफ द हिमालयन रिवर सिस्टम. तो इस तरीके से कुछ यहां पर एविडेंसेस हैं जिनके बेसिस पे आप बोल सकते हैं कि ये जो पास्को और पिलग्रिम की थ्योरी थी ये करेक्ट नहीं है. हालांकि इन्होंने एक तरीका बता दिया कि किस तरीके से हमारी हिमालयन ड्रेनेज बेसिन डेवलप की गई होगी. तो इनको बोल सकते हैं कि ही इज द फादर टू इवॉल्व अ थ्योरी ऑफ ड्रेनेज बेसिन ऑफ हिमालयन रिवर बेसिन. तो इस तरीके से आप देख सकते हैं कि बेसिकली ये शुरुआती दिनों के शुरुआत करने वाले लोग थे. तो आगे बढ़ते हैं, आगे हमारे पास नेक्स्ट जो हमारे ज्योग्राफर आ जाते हैं, जो इवोल्यूटर आ जाते हैं, वो हो जाते हैं हमारे इनायत अहमद. इनायत अहमद थोड़ा सा यहां पर अलग रहते हैं. इनका कहना है, इनायत अहमद इनका कहना है कि देखिए जो इन्होंने बोला है, किन्होंने बोला, पास्को पिलग्रिम ने जो बोला कि यहां पर हमारे पास सेंगपो रिवर, सेंगपो और इंडस और ये हमारी ऑक्सस रिवर हुआ करती थी,
एक्चुअल में दिस वॉज टेथिस सी, ये जो है वो टेथिस सी हुआ करती थी। मतलब जैसे मान लेते हैं कि ये हमारी हिमालय है, मतलब जम्मू कश्मीर का इलाका, एंड देन सिस्टम हमारा इस तरीके से हो जाता है, ये हमारा नॉर्थ ईस्ट का इलाका हो गया, इस तरीके से हो गया। तो हमारे पास एक्चुअल में ये दिस वॉज द एरिया वेयर टेथिस सी वॉज देयर, यहां पर टेथिस सी हुआ करती थी। अब इस टेथिस सी को रोकने के लिए यहां पर हमारे पास क्या है, अरावली है, कोई दिक्कत नहीं है, यहां पर हमारे पास अरावली है जो इसको रोक रही है, और इधर से भी रोकने वाली है, और इसका नाम है महादेव हिल्स, या फिर हाँ ठीक है चलिए महादेव हिल्स होगी। तो यहां पर महादेव हिल्स, और यहां पर आ जाती है हमारी शिलोंग प्लेटू, शिलोंग प्लेटू, और इस तरीके से इन दोनों के बीच में यहां पर हमारे पास पूरी की पूरी टेथिस सी पड़ी हुई है। दिस इज टेथिस सी, अभी अपहीवल नहीं हुआ है, मतलब कि हिमालय नहीं निकल के आई है, लेकिन इस टेथिस सी का ऑब्वियसली सेडिमेंट्स तो होगा ही, ये सेडिमेंट्स तो होगा ही, और इस सेडिमेंट्स के कारण यहां पर इकट्ठा चीजें जो है वो इकट्ठा होना शुरू हो जा रही होंगी। दिस इज अ पीरियड ऑफ वॉट, दिस इज पीरियड कैम्ब्रियन से लेकर के ईओसीन पीरियड तक की बात कर रहे हैं हम लोग। इस ईओसीन पीरियड के बाद फिर स्टार्ट होता है ऑलिगोसीन पीरियड, इस ऑलिगोसीन पीरियड में हिमालय का अपहीवल स्टार्ट हो जा रहा होता है। तो यहां पर ओलिगोसीन पीरियड में, यहां पर लिख रहा हूं मैं, ओलिगोसीन पीरियड में अपहीवल ऑफ हिमालय स्टार्ट हो गया, अपहीवल ऑफ हिमालय। इस अपहीवल ऑफ हिमालय में जो कुछ भी हुआ है बेसिकली वो गोंडवाना लैंडमास है, गोंडवाना लैंडमास, अंगारा लैंडमास और गोंडवाना लैंडमास, समझ रहे हैं ना। तो दिस इज नॉट गोंडवाना टाइम स्केल वाला, ये गोंडवाना जो है वो लैंडमास वाला है। तो गोंडवाना लैंडमास से बेसिकली यहां पर अपलिफ्टमेंट स्टार्ट हो जा रही होती है। जैसे ही अपलिफ्टमेंट होगा, ये मान लेते हैं कि अपलिफ्टमेंट हो गई है, टेथिस सी अपनी केवल और केवल इस साइड में रह गई, और इधर के साइड में क्या हो गया, दिस इज वैली क्रिएशन हो गया। सेडिमेंट तो अभी भी यहां पर भी होंगे, क्यों होंगे, सीधी सी बात है क्योंकि यहां पर हिमालय, पहले जो टेथिस सी थी उसका सेडिमेंट यहां पर इकट्ठा पड़ा हुआ था, तो सेडिमेंट यहां पर भी पाए जा रहे होंगे। जो अपहीवल हुआ है बेसिकली वो कैसा हुआ है, इस तरीके से हुआ है, मतलब कि ये मान लेते हैं कि हमारी हिमाद्री है, दिस इज द हिमाद्री या ग्रेटर हिमालय वाला पार्ट जैसे हो गया, और इधर के साइड में बन गया है कुनलुन शियान, दिस इज बेसिकली कुनलुन शियान, इन दोनों के बीच में तिब्बत आ गई है, तिब्बतन प्लेटू, तो हाईलैंड यहां पर भी है। तो अब यहां पर हुआ क्या कि इन दोनों के बीच से जो रिवर निकलनी थी अब वो यहां से निकलनी शुरू हो जाएगी, क्योंकि एक पार्ट जो टेथिस का है वो यहां पर ट्रैप हो जाएगा, और अल्टीमेटली दिस विल बिकम द पार्ट ऑफ ब्रह्मपुत्र रिवर, जिसको सेंको रिवर भी हम लोग बोल रहे हैं। इसके बाद से आगे ओलिगोसीन के बाद नेक्स्ट आती है हमारी मायोसीन। इस मायोसीन में क्या होता है, फिर सेकेंड अपहीवल हो जाता है। सेकेंड अपहीवल से क्या होता है कि जो हिमाद्री अब यहां पर हमारा जो दूसरी बारी पीर पंजाल रेंज है वो बनना शुरू हो जाती है। तो अगेन यहां पर एक वैली क्रिएशन हो गई है, और इस वैली से हमारी वापस से हिमालय रिवर निकलना शुरू हो जाएगी। सिमिलरली थर्ड जो हमारी शिवालिक है वो निकलेगी, और यहां से हिमालय रिवर निकलना शुरू हो जाएंगे, एंड दे विल फॉलो द कॉन्कॉर्डेंट फॉर्मेट ऑफ ड्रेनेज, यानी स्लोप को फॉलो कर रहे होंगे और वैली से निकल रहे होंगे। तो ये बेसिकली बोला गया था हमारे इनायत साहब के द्वारा। विद द टाइम यहां पर होगा क्या, धीरे धीरे जब चीजें डेवलप हो जाएंगी, जब दिल्ली रेंज या महादेव हिल्स ये सब जब आपस में डेवलप हो जाएंगी, फिर क्या होगा कि इनका जो इलाका है वो बेसिकली सीमित हो जाएगा, और अल्टीमेटली जो आज की ड्रेनेज सिस्टम है वो सामने निकल के आ जाएगी, ऐसा बोला गया था हमारे इनायत अहमद के द्वारा। काफी हद तक देखिए एक्सेप्टेबल है, लेकिन कुछ कुछ इनके भी थोड़े से प्रॉब्लमेटिक सीन है कि क्या हुआ, लेकिन फिर भी काफी हद तक इनका साइंटिफिक और काफी हद तक इनका एक्सेप्टेबल माना गया है। तो प्रेजेंट केस में अगर आप बोलेंगे रेलेवेंस, तो आज इन्हीं की रेलेवेंस है। फटाफट देख लेते हैं इन्होंने क्या बोला। तो प्रोफेसर इनायत अहमद हैज गिवन इट्स ओन इंटरप्रिटेशन ऑफ इवोल्यूशन ऑफ ड्रेनेज, ही ओपिन दैट टेथिस रिमेन्ड एज अ बेसिन ऑफ सेडिमेंटेशन फ्रॉम कैम्ब्रियन टू ईओसीन पीरियड, अभी हम लोगों ने देखा, बट द मेजर पोर्शन ऑफ हिमालयन रिवर वॉज ऑक्युपाइड बाई गोंडवाना लैंडमार्क, क्योंकि पूरा का पूरा गोंडवाना से ही बना हुआ था। ड्यूरिंग द हिमालयन अपहीवल इन ओलिगोसीन पीरियड पार्ट ऑफ टेथिसियन जियोसिंक्लाइन एंड प्रॉब्ली पार्ट ऑफ गोंडवाना लैंड वर अपलिफ्टमेंट, तो इस तरीके से अपलिफ्टमेंट स्टार्ट हो जा रही होती है। मोस्ट प्रॉब्ली दिस मार्क द इनिशिएशन ऑफ हिमालयन ड्रेनेज सिस्टम, यही जो है वो हिमालयन सिस्टम का ड्रेनेज सिस्टम का स्टार्ट हो रही होती है। होता क्या है कि टेथिस सी, यहां पर टेथिस सी का जो एरिया है, जो कह लीजिए बॉटम है, वो लैंडमास के रूप में ऊपर उठना शुरू हो जाता है, और तिब्बतन प्लेटू सेंटर में और साइड साइड में कुनलुन शियान और हिमाद्री बना दे रहा होता है। तो बेसिकली इस तरीके की कुछ सिचुएशन बन जा रही होती है, दिस इज हिमाद्री,
और यहाँ पर हमारा कुनलुन शियान बन जाता है और बीच में हमारी तिब्बतन प्लेटू बन जा रही होती है। तो यही यहाँ पर बताया गया है। द ड्रेनेज स्टार्टेड फ्रॉम द सदर्न एज ऑफ मीडियन मास। तो यहां पर से अब रिवर निकलना शुरू हो गई, हमारे कह सकते हैं कि तिब्बत से निकलना शुरू हो जा रही होती है, वो भी साउथ साइड से, क्योंकि हमारी ये वाली पीक ज्यादा हाई है। दिस इंडिकेटेड, यहां पर देखिए यही चीज बोल रहा है, एज द फॉर्मेशन ऑफ ईस्ट वेस्ट रेंज क्रिएटेड ईस्ट वेस्ट वैली। मतलब कि नॉर्थ साउथ में अगर ये उठा है तो ईस्ट वेस्ट में ही ना वैली बनेगी। भाई सीधी सी बात है, ऐसा बना हुआ है जैसे नॉर्थ साउथ में जो उठा हुआ है, तो यहां पर जो ये जो वैली बनी है, दिस इज बेसिकली ईस्ट वेस्ट। अगर इसको साइड से आप जब देखेंगे तो हमारी ईस्ट वेस्ट दिख रही होगी। क्लियर हो रहा है क्या कुछ है? चलिए, द रिवर पार्टली फ्लोज अलोंग दीज वैली, दिस इज इंडिकेटेड बाय द अपर कोर्स ऑफ सिवरल, जितने भी रिवर्स हैं जैसे इंडस हो गया, श्योक हो गया, सतलज हो गया, गंगा हो गया, ब्रह्मपुत्रा हो गया, अरुण रिवर हो गई, तो यहीं से सारी निकल रही होती है और मूवमेंट कर रही होती है विद इन द वैली। तो ये वैली में इस तरीके से मूवमेंट करना शुरू कर दे रही होगी। सिंस द होल ऑफ टेथिस वॉज नॉट फुल्ली रेज, अभी क्या है, टेथिस बचा हुआ है। इनफैक्ट इस हिमाद्री के इस साइड में पूरा का पूरा टेथिस ही तो बचा हुआ है, तो यहां पर टेथिस ही बचा हुआ है और जो डेवलपमेंट है रिवर का वो इस तरीके से हुआ है, टेथिस सी में आकर के गिरना शुरू हुई है। तो अब क्या होगा, अब इसके बाद से फिर सेकेंड अपहीवल स्टार्ट हो जा रहा होगा। तो वही यहां पर बोलता है कि सेकेंड हिमालयन अपहीवल ड्यूरिंग द मिड मायोसीन पीरियड इंक्रीज द एल्टीट्यूड ऑफ मीडियन मास एंड द बॉर्डरिंग रेंज। अब यहां पर क्या होगा, जो बची हुई सी होगी वो ऑब्वियसली गल्फ ऑफ सिंध या फिर कह लीजिए गल्फ ऑफ खम्बत में जाकर के गिर जाएगी और अल्टीमेटली ड्रेनेज बेसिन बना दे रही होगी हमारा पूरे रिवर बेसिन का। दिस वॉज रेज टू फॉर्म द लैंड मास, द राइज इन लैंड रिजल्टेड इन ग्रेटर एंड मोर इनवाइग्रेटेड ड्रेनेज अलॉन्ग विद दीज चेंजेस रीजियन इन द साउथ ऑफ हिमालयन रेंज। तो हिमालयन रेंज के जो साउथ में, मतलब कह लीजिए कि नीचे पंजाब के साइड में, हिमाचल के साइड में आ गया है, वॉज रेज्ड एज द लेसर हिमालयन रेंज। अर्लियर स्ट्रीम ऑन द सदर्न मार्जिन ऑफ द तिब्बतन प्लेटू कट डाउन डीप वैली टू मेंटेन देयर कोर्स। अब ऑब्वियस बात है, जब भी रिवर निकल रही होगी तो वहां से अब जैसे जैसे माउंटेन ऊपर उठेगा, ग्लेशियर फॉर्मेट में कन्वर्ट होते जाएगी और अल्टीमेटली रिवर के एक फ्लो मिलना शुरू हो जा रहा होगा। जैसे ही रिवर को फ्लो मिलेगी उसकी वेलोसिटी मिलेगी, वेलोसिटी मिलने से अब वो कटिंग स्टार्ट कर देगा, इरोजन स्टार्ट कर देगा और अल्टीमेटली अपना एक कोर्स निर्धारित कर लेगा। तो अर्लियर स्ट्रीम ऑन द सदर्न मार्जिन ऑफ तिब्बतन प्लेटू कट डाउन वैली टू मेंटेन देयर कोर्स अलॉन्ग द सदर्न स्लोप ऑफ लेसर हिमालय, अ नंबर ऑफ कंसिक्वेंट स्ट्रीम ऑल्सो मर्ज्ड विच ड्रेन्ड इनटू द सदर्न फॉर डीप। The third Himalayan upheaval during the Pleistocene period resulted in the folding of Shivalik. तो third upheaval start हो गया और ultimately Shivalik बन गई है। अब ये जो height of earlier range थी वे और थोड़ी सी उठ जाएगी, क्योंकि सीधी सी बात है plate tectonic ऊपर तो rise तो करेगा ही करेगा। The rise in the Himalayan plateau blocked the stream and ultimately क्या हुआ, अब ये तोड़ना शुरू कर देगा और अल्टीमेटली ये नॉर्थवर्ड साइड से मूव करना शुरू कर दिया और अल्टीमेटली ये सेंगपो रिवर या फिर ब्रह्मपुत्रा रिवर निकल करके आ जा रही होती है। दीज स्ट्रीम वर डिवाइडेड डाइवर्टेड ईस्ट एंड वेस्ट विच प्रॉबली लेड टू फॉर्मेशन ऑफ ट्रांस हिमालयन मास्टर स्ट्रीम, सेंगपो रिवर आ जाती है। दिस रिवर वॉज लेटर ब्रोकन इंटू टू, वन इज प्रोटो इंडस एंड सेकेंड वन इज प्रोटो ब्रह्मपुत्रा। एक साइड से इंडस निकलना शुरू कर देता है और दूसरे साइड से घूम करके ये सेंगपो या फिर ब्रह्मपुत्रा रिवर निकलना शुरू कर देता है। बाय द फॉर्मेशन ऑफ कैलाश रेंज, ये हमारी कैलाश रेंज यहां पर आ जा रही होती है। द अपलिफ्ट ऑफ शिवालिक रेंज गेव राइज टू सेट ऑफ कंसिक्वेंट ओरिजिनेटिंग द क्रस्ट ऑफ द रेंज इन टू ओल्डर स्ट्रीम। तो आपको बेसिकली एक आइडिया लग गया कि क्या हुआ है, कैसे हुआ है। तो जितने जितने माउंटेन उठती गई है, टेथिस सी वहीं पर रेमिनेंट बनता गया है और वो टेथिस सी अब रिवर का रूप ले लिया है, क्योंकि उसकी वॉल्यूम कम हो गई है और एरिया डिफाइन कर दिया गया है। कोई भी अब जैसे रिवर को आप पतला करते जाएंगे तो नाला में बदल जाएगा, तो नाला अल्टीमेटली क्या हो गया, अगर वो वाइड हो गया थोड़ा सा रिवर मिल जाएगा, रिवर बन जाएगा, वो कोई बात ही नहीं है उसमें। क्लियर हो गया क्या चीज है? तो दिस वॉज द थ्योरी ऑफ इनायत अहमद। नेक्स्ट थ्योरी आ जाती है हमारी मल्टीपल रिवर थ्योरी। तो यहां पर कुछ खास ऐसे है नहीं, बहुत ही आसान सी थ्योरी है, फटाफट आप समझ जाएंगे क्या चीज है। इसके अलावा एक अल्टरनेटिव एक्सप्लेनेशन दिया गया हिमालयन ड्रेनेज सिस्टम का, विच वॉज ऑफर्ड बाई मल्टीपल रिवर थ्योरी।
जो इसके प्रोपाउंडर थे उन्होंने ये कहा कि देखिए इट इज डिफिकल्ट टू एक्सेप्ट एग्जिस्टेंस ऑफ लार्ज रिवर लाइक इंडो ब्रह्मा और शिवालिक और जियोलॉजिकल, इस तरीके से जो कि हमारे इनायत साहब ने भी बोला था और हमारे पास्को और पिलग्रिम ने भी बोला था कि एक लंबी रिवर पहले रहेगी और अल्टीमेटली उसी लंबी रिवर से हम लोग छोटी छोटी मल्टीपल रिवर बना रहे होंगे, वेदर इट इज टेथिसी के कारण से बना हो चाहे कैसे भी बना हो, अल्टीमेटली हमारे पास एक बड़ी रिवर थी। लेकिन मल्टीपल रिवर थ्योरी इस बात को डिस्कार्ड कर देती है कि कोई भी बड़ी रिवर नहीं हो सकती है। इसके अलावा बोलता है कि दिस थ्योरी पॉस्टुलेट दैट इओसीन सी, जिसको हम लोग टेथिस सी भी बोलते हैं, एक्सटेंडेड जो है सिंध से एक्सटेंड हो रही होती थी, अब पंजाब नैनीताल इस इलाके में ये केवल और केवल रह रही होती थी। इसको रोकने के लिए हमारे पास अलग अलग तरीके के वाटर बैरियर्स हुआ करते थे। द एग्जिस्टेंस ऑफ सच अ सी इज एविडेंस बाय द प्रेजेंस ऑफ शैलो वाटर फेसेस इंडिकेटिव ऑफ कोस्ट नियर लैंडस्टोन विच लिमिट आल्सो कोइंसाइड विद द ईस्टर्न कंटिन्यूएशन ऑफ वन ऑफ द अरावली रेंज। इसको रोकने के लिए ऑब्वियसली इधर के साइड से एक अरावली रेंज आ जा रही होती है। किसको रोकने के लिए? टेथिस सी को। तो टेथिस सी को रोकने के लिए एक साइड से हमारी अरावली आ गई है जो बैरियर का काम कर रही है और दूसरे साइड से हमारी राजमहल हिल्स या फिर शिलोंग प्लेटू आ जाती है। दिस इज राजमहल हिल्स या फिर यहीं पर आ जाएगी आपकी शिलोंग प्लेटू, मेघालय के पास में शिलोंग प्लेटू आ जा रही होती है विच इज ऑक्यूपाइड बाई गंगा ब्रह्मपुत्र बेसिन, जो कि आप गंगा ब्रह्मपुत्र के बेसिन के रूप में है। द सी वॉज ब्रोकन बाई फर्स्ट अपहीवल ऑफ हिमालय टू फॉर्म आइसोलेटेड बेसिन इन विच सेडिमेंट्स वर डिपॉजिटेड। The next upheaval pronounced four deep all along the southern border of Himalayas were formed. This four deep contained numerous lagoon into which flowed stream but peninsular area and the newly uplifted Himalayas. These stream brought down sediment which later came to be known as Shivalik deposits. And this outlet of four deep was thought that Garo Khasi, जो भी यहाँ पर राजमहल हिल्स गारो खासी जयंतिया वाला gap है वहां से ये रिवर निकल के आती है और अल्टीमेटली लगून बनाते हुए ये कह सकते हैं कि बे ऑफ बंगाल में ड्रेन कर जा रही होती है। तो एक तरीके से कह सकते हैं कि जो मल्टीपल थ्योरी है ये इनायत अहमद को काफी हद तक सही बोल रही है, बस एक ही जगह इन्होंने गलत बोला इनायत अहमद साहब को, और वो था जो ये लंबी सी रिवर इन लोगों ने भी मान रखी थी। अदरवाइज बाकी जब देखेंगे तो ट्रैपिंग ऑफ टेथिस सी अल्टीमेटली उसको क्या बोलेंगे, उसको आप लगून ही बोलेंगे, सीधी सी बात है। और यही जो ट्रैपिंग है उनका नाम इन्होंने मल्टीपल रिवर थ्योरी ने लगून बोल दिया। तो ये बेसिकली इस तरीके से हमारे पास रिवर थ्योरी हो जा रही होती है। तो इस तरीके से आपको समझ में आ गया होगा बेसिकली रिवर किस तरीके से इवॉल्व हुई है, क्या हुआ है, कैसे हुआ है। आपको एक आइडिया भी मिल गया, आपको फोटोग्राफ भी मिल गई, आपको लिखने का एक तरीका भी मिल गया होगा। तो दिस इज द टुडेज डिस्कशन। कोई अगर आपको डाउट होता है तो टेलीग्राम चैनल की लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है। वहां पर देखिए दो डिस्क्रिप्शन रहती है, एक रहती है जो जीएस की क्लासेस के लिए और दूसरी है ज्योग्राफी ऑप्शनल के लिए। आप लोग ज्योग्राफी ऑप्शनल देख रहे हैं तो ज्योग्राफी ऑप्शनल वाला ज्वाइन करिएगा, और अगर जीएस के भी देखना चाहते हैं तो ऑब्वियसली यू कैन ऑल्सो ज्वाइन द जीएस बटन। तो इस तरीके से चीजें आती है। चलिए फिर अगर कोई डाउट होता है तो टेलीग्राम में आप अपने डाउट को रेज करिएगा। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।